सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको गले का एक बहुत ही सुंदर और आसान सा डिजाइन बनाने का सिंपल सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं फैब्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने ये कमीज का फ्रंट कटिंग किया हुआ है जिसमें हम प्रिंटेड कपड़े का, जो हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा है, इससे डिजाइन बनाएंगे बहुत ही सुंदर। और दोस्तों ये मैंने बुकरम ली हुई है जिसमें से हम गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे जो निशान लगाना है, सिंपल नेक का निशान लगाना है। सबसे पहले 5/8 नेक का यहाँ पे ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच और डीप लेंथ जितनी आपको नाप के अकॉर्डिंग रखनी है, 7 से 7.5 जितना भी आपको नाप है उस हिसाब से रखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे हल्की सी 5/8 डालते हुए इस प्रकार से हम सेब डाल देते हैं यहाँ पे इस प्रकार भी। अब हम बाहर की साइड एक निशान और लगाएंगे तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच का। आप इसको भी बढ़ा सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाया है। इस निशान को भी हम यहाँ पे एक दूसरे निशानों से जोड़ लेते हैं जो मैंने छोटे छोटे यहाँ पे निशान लगाए हैं इस प्रकार के। अब हमें यहाँ पे एक सेब डालनी है इस प्रकार की। तकरीबन हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.5 इंच का और यहाँ से एक सेब डालेंगे इस प्रकार की। एक निशान और लगाएंगे नीचे की साइड, वो भी तकरीबन 3 इंच का लगाएंगे और यहाँ पे भी हम एक सेब डालेंगे इस प्रकार की, इस तरीके से। ये वाली हमारी सेब होगी दोस्तों। इसी निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा गला है उसकी कटिंग करेंगे। जो हमें गला तैयार रखना है अब हम जो हमने ये निशान लगाए हैं इनके ऊपर कटिंग करेंगे। इस प्रकार का दोस्तों हमारा यहाँ पे गला आएगा। ये थोड़ा पीस बड़ा हो गया हमारा और ये छोटा है। इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है क्योंकि ये छोटा अच्छा लगेगा, ये थोड़ा बड़ा, और ऊपर की साइड हमारा 5/8 की सेब आएगी। बाहर वाला जो हमारा ये बुकरम वाला पीस होता है इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। 1/2 से 1.25 भी रख सकते हो आप। ये वाला गला हमारा अंदर की साइड फोल्ड होता है और ये गला हमारा मेन आएगा बाहर की साइड, जो ये वाला गला होगा। तो हमने इन दोनों पीसों को पेस्ट करना है। जो हमारा मेन गला होगा ये वाला, इसको हम करेंगे प्रिंटेड कपड़े के ऊपर पेस्ट, और जो ये अंदर की साइड फोल्ड हो रहा है इसको हम सेम फैब्रिक जो होता है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हम दोनों गलों को रखते हुए पेस्ट कर लेते हैं। ये जो पेस्टिंग ली है मैंने, बुकरम ली है, ये पेस्टिंग वाली बुकरम होती है जिसमें एक साइड फ्यूल लगा होता है, दूसरी साइड से ये रफ होती है। रफ वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं और फ्यूल वाला नीचे हिस्सा नीचे की साइड रखते हैं
तो ये प्रेस से पेस्ट हो जाता है कपड़े के ऊपर। दोनों गले दोस्तों हमने पेस्ट कर लिए हैं। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगा। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारे पास बड़े वाला गला है उसको तैयार करते हैं। हमारे पास ये दो गले हैं इस प्रकार के, एक ये हमारा प्रिंटेड कपड़े के ऊपर पेस्ट है और एक प्लेन कपड़े के ऊपर। जो प्लेन वाला है इसको तैयार करेंगे, बाहर की साइड आधा आधा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। और अब हम इस कपड़े को बुकरम के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार कपड़ा फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे सेंटर बनाएंगे इस तरीके से। अब हम कमीज का फ्रंट रखेंगे सीधी साइड ऊपर की साइड। और इस प्रकार दोनों के सेंटर मैच करते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब एक पैर का मार्जिन इस प्रकार से छोड़ते हुए सभी जगह से कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इस प्रकार से कट लगाएंगे जहां पे नोक होती है और जहां पे गोलाई होती है। इसी प्रकार दूसरी साइड भी कट लगाएंगे। कट कंप्लीट करने के बाद अब हम गले को अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं नोक निकालते हुए। तो दोस्तों सीधा करने के बाद हमारा गला इस प्रकार से आएगा इस शेप में। अब हमें यहाँ पे जो अंदर की साइड गला लगाना है इसके, ये वाला बुकरम वाला पीस जो हमने प्रिंटेड कपड़ा लगाना है, इसको तैयार करते हैं।
इसको तैयार करने के लिए भी हम एक कपड़ा लेंगे हम सेम, जो हमारा कमीज वाला फैब्रिक है उसको नीचे की साइड रखेंगे इस प्रकार से, जो सेम कपड़ा है, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर। बुकरम के ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है जितनी हमने पाइपिंग निकालनी होती है। यहाँ पे हमारी अंदर की साइड पाइपिंग भी आएगी। अब हम बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। और यहां पे भी हम इस कपड़े को अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग इस प्रकार से नजर आएगी ऐसे, क्योंकि हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है। अब हम पाइपिंग के साथ साथ एक सिलाई लगा लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमारी ये पाइपिंग आ जाती है गले में। अब हमने इसको अच्छे से इस प्रकार से सेट करना है, और उल्टी साइड से हमें यहाँ पे बुकरम नजर आ जाएगी जहाँ जहाँ तक हमारी बुकरम है। अगर कपड़ा आपका इस तरीके का हो जिसमें बुकरम नज़र नहीं आती, तो आपने इस प्रकार से निशान लगा लेने हैं फोल्ड करते हुए। इस प्रकार फोल्ड करते हैं और ऐसे निशान लगा लेते हैं जिससे कि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी बुकरम कहाँ तक है। अगर नज़र आ रही है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नज़र नहीं आती तब के लिए मैंने ये निशान लगा के आपको दिखाए हैं। अब हम एक सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हमें बुकरम के साथ साथ लगानी है। प्रकार सिलाई लगाने के बाद आधा से पौना इंच मार्जिन रखते हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देते हैं। अब हम सीधी साइड देखेंगे तो सीधी साइड हमारी इस प्रकार से आएगी। अब हम यहाँ पे कमीज का फ्रंट जो है हमारा उसको ऊपर की साइड रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, और जो हमने सिलाई लगाई है इसका हमें ध्यान रखना है, ये वाली सिलाई।
यहाँ पे इस प्रकार रखते हुए, और सिलाई का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमने सिलाई जो लगाई है नीचे की साइड, ये वाली सिलाई ये हमने बुकरम के साथ साथ लगाई है। एक साइड से हम यहाँ पे अटैच करना शुरू करेंगे, सेंटर से कर लेते हैं। एक साइड से हमने इस प्रकार से यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया है एक साइड को। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों साइड की हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही सुंदर हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।